हेलो साथियों, नमस्कार। डीआरजी ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। और आज एक स्पेशल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मन बहुत उदास है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेरी चिड़िया के बारे में बताया था, जो इस घोंसले में रहती थी। पिछले 4 साल से मेरे रूम में लगातार यहीं पर रह रही थी। उस चिड़िया के आज अचानक क्या है, उड़ते समय पंख टकरा गए पंखे से और वो चिड़िया मर गई। और अब उस चिड़िया के 2 बच्चे, एक बच्चा मेरे देखो हाथ में बैठा है। रात के 9-10 बजे हैं और मैं जग रहा हूँ मेरे बुआ जी के साथ में। मेरे बुआ जी भी मेरे पास बैठे हैं, ये भी जग रहे हैं। एक बच्चा मेरे पैर पे बैठा है, आराम से है, लेकिन ये न तो कुछ खा सकते हैं और न ही पानी पी रहे हैं। मैंने पानी पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन ये नहीं पी रहे पानी। ये 1 माह के दोनों बच्चे, जैसे ये चोंच नज़दीक कर रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे इनकी माँ इनको चुगा दे रही है। लेकिन इनकी माँ मर गई, ये इनको पता भी नहीं है साथियों। बिल्कुल अभी 4-5 घंटे से मेरे साथ बैठे हैं ऐसे ही, कुछ खा नहीं रहे। रोज़ इनकी माँ यहाँ आती है, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि वो मेरे साथ रहती है। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या कहूँ, मतलब ऐसी घटनाएं होती रहती है, ये आम बात है। लेकिन ये घटना जब अपनी आंखों के सामने होती है ना, तो मन को बिल्कुल एकदम खिंसा कर देती है, मन उदास सा होने लगा। दोनों बच्चे क्या जाने, और इनकी माँ को भी नहीं पता था। वो पंखे से रोज़ बच के निकलती है 4 साल में, पता नहीं आज कैसे टकरा गई और उसके पर कट गए। साथियों, मैं ज़िंदगी के ज़्यादा अनुभव तो नहीं रखता, लेकिन एक लाइन आपके लिए बता रहा हूँ। इन दोनों पक्षियों को देख करके आज मुझे वो लाइनें याद आ रही है। कभी मैं मेरे नवजात पंखों को देखता हूँ और कभी उड़ते हुए आसमान को, फिर भी मैं ऋणी हूँ धरती का। जब मेरे पंख नहीं थे तब भी मैं धरती पे था, और पंख झड़ जाने के बाद भी धरती पर रहूँगा। धरती पर रहना ही जीवन की सार्थकता है। ये लाइनें आज बिल्कुल ऐसे सटीक, क्या कहूँ मैं आपको, बुआ जी जैसे बैठे हैं। बुआ जी को बहुत प्यार है छोटे पक्षियों से, और बुआ जी इनको पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बुआ जी पिलाओ, अभी पी रहा है ये छोटा बच्चा, पीने की कर रहा है। ये बच्चा पी लेगा, पिलाओ थोड़ा सा पानी पिलाओ, कंठ गीले हो जाए तो शायद ये बच जाएंगे रात भर। आज का वीडियो कोई लाइक्स या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ वीडियो शूटिंग, केवल और केवल इसलिए कि कमेंट में मुझे राय मिल जाए कि मैं इन बच्चों को कैसे बचा सकूँ। मैं रात भर नहीं सो पाऊँगा, इनको खिलाऊँगा रात भर, पूरी रात खिलाऊँगा। क्यों कि ये वाकया, ये पूरी घटना मेरे सामने हुई है, और मेरे बुआ जी तो 4-5 घंटे से बैठे हैं बस कि बस इनका क्या करें, इनका क्या करें, बिल्ली आ जाएगी इनको खा जाएगी। देखो पूरा कमरा बंद कर रखा हमने, ये देखो पूरा कमरा ऐसे बंद कर रखा है, गेट बंद कर रखे हैं। और ये देखो ये मेरे कंधे पे बैठा है, बिल्कुल ये डर के बारे में अभी जानता नहीं है, तब बैठा है ना बिल्कुल। और इसको ये पता नहीं है इसकी माँ मर गई है, या इसको आज ये भोजन देने वाला कोई नहीं है। पानी पिला रही है बुआ जी, थोड़ा बहुत पी ले तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, आप सबका भी हो जाएगा। ये देखो मेरी मम्मी भी आई है, ये भी देखो बच्चे, ऐसी सूट नहीं होती इनको, छिड़कली बच्चे। देखो रात को 10 बज रहे हैं, मेरी मम्मी भी उठ के आ गई है, मेरे माताजी, इनको भी बड़ी चिंता हो रही है इनकी। नहीं मरेंगे, बचा लेंगे इनको, वीडियो में सब मेरी मम्मी कह रही है मर जाएंगे। तो आप दोस्तों अब इनकी देख लो, इनको वीडियो से, मम्मी को वीडियो से कोई मतलब नहीं है, मम्मी को पता भी नहीं है वीडियो का, लेकिन ये करिए मर जाएंगे। थोड़ा खा रहा है, अब खाने लगा है, खा ले तो अच्छा ही है, हम सबके लिए अच्छा है।
कैसे जिएंगे, इन्हें खिलाओ दोड़ो। देखा ये वाला बच्चा खाएगा क्या, परवा इस वाले को खिलाओ थोड़ा। इतने छोटे हैं कि अब इनको खिलाए तो कुछ दिखता नहीं है। ये गिर गया, ये लो इसको यहीं बैठा लेते हैं। पानी पिलाता हूँ इनको, इसको पानी पिलाता हूँ थोड़ा। इनको पानी पीने का अनुभव नहीं है शायद, ये पहली बार, क्योंकि अपने घोंसले से उड़े हैं ना, बाहर गिरे हैं, भूखे प्यासे थे, तब अब इनको पानी का ही नहीं है इतना, तो पानी कैसे पीते हैं। आजा छोटा है, आजा ओके गाइस, इनके लिए वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इनको मैं कैसे बचाऊं।